बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। बैठक से पहले सभी नेताओं का कोरोना टेस्ट होगा। न सिर्फ टेस्ट होगा बल्कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। बैठक में विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवारों पर आखिरी मोहर भी लगेगी। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, गुड मॉर्निंग। आज माने कि बीजेपी के अंदर 5 राज्यों को लेकर जो मंथन होगा, उस मंथन के बाद अंतिम फैसला ले लिया जाएगा या हो सकता है एक दो मीटिंग और हो? देखिए, पिछले 2 दिनों से भी बैठकों का दौर चल रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर। आज की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी, उस बैठक में उत्तर प्रदेश के कई प्रत्याशियों पर आज मोहर लगेगी। और इस सीसी की बैठक में उत्तराखंड पर चर्चा होगी। 5 राज्यों के में से 2 राज्यों पर आज बातचीत होनी है। और क्योंकि अब जल्द से जल्द नाम पर बातचीत होनी है, क्योंकि 2 दिन से बातचीत हो चुकी है, आज ये उम्मीद है कि आज की बैठक के बाद जल्द पहले दौर की लिस्ट आ सकती है। जो फेज 1 फेज 2 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसकी लिस्ट आना एक्सपेक्टेड है। पिछले 2 दिन से भी भारी मंथन की स्थिति है और उत्तर प्रदेश में बहुत ही उठापटक भी चल रही है। उसको लेकर भी जो सोशल बैलेंस बनाने के जो तरीके हैं कि किसको कैसे दिया जाए, और ब्राह्मण या फिर ओबीसी या ठाकुर, इन सभी का एक बैलेंस बनाकर टिकट वितरण किया जाए, उस महिलाएं भी हैं, तमाम तरीके का, तो एक बहुत मंथन के साथ काम चल रहा है। और आज इस बैठक में जो फाइनल 4 नाम हैं हर एक सीट पे, उसमें से 1 नाम पर मोहर लग जाएगी। और सीसी, और ये भी है कि आज सीसी की बैठक में आगे के जो नाम है, हो सकता है क्योंकि काम ज्यादा है तो सीसी की बैठक बार बार ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका जिम्मेदारी देकर। अदिति, क्या संभावना है आपको लगती है, प्रत्याशियों की पहली सूची आज रात तक आ सकती है या 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक है आज आ भी सकती है, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर जरूर एक पहली लिस्ट आने की संभावना है।